तो हेलो दोस्तों, अगर फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, सूचनाएं मिलती रहती हैं, आना जाना पड़ता है, जीवों के साथ जो नाता है उसको निभाना पड़ता है। तो चलते हैं, दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में। जौनपुर सिटी से ये 45 किलोमीटर की दूरी पर एक थलुई मार्केट के जस्ट बगल में एक गाँव है और कोई सांप है घर के पीछे, तो लेके चलते हैं। नजरें जमाए रखिएगा क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्लीज कम ऑन। हम अपने ही दिमाग सोचे कि बम्बई में। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी पुराना ईंट रखा हुआ है और इसमें भी वो हो सकता है काफी दिनों से रहता था। तो धूप जब निकलती है, ठंडक का महीना चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो ये जो है इसी में धूप लेने के लिए बाहर निकला हो, फिर इसके बाद इसी के अंदर जा चुका होगा। अरे सर, थोड़ा खोदिए इसको, खोद है, खोदिए आराम आराम से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी केचुन से पता चलता है कि ये देखने में तो बिल्कुल कोबरा स्नेक जैसा है, जो बहुत ही जहरीला होता है हमारे भारत का। हम जान था इनके घर से भी रहा हुई, अब हम जान तो नहीं रहे, हमके अभी वही बताए हैं, तब यूं देखान सांप हमके, हम तुरंत ही बल्कि पानी डाले जा गए हैं। तो पलट लीजिए भैया, इसको पलट लीजिए। देखा भैया, तारे हो रहे हैं ना, इधर पलटिए, तारे हो रहे हैं, इसके बीच में जा रहा है खराब। इसमें भी हो सकता है, ज्यादा डोली ना सकत रहा, खुद जो ना हमके देख जो ना वही जगह है ये है। हां, यहां चला गया। हां, अरे यार बहुत डंडा है, बहुत सुधार दिया यार, सुधार है भाई, बहुत सांप कहां थे भाई। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बेचारा बेजुबान खुद छिपने के लिए कहीं भी जा सकता है, वो अंदर जाता है। ऐसे में चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा निकालते हैं बाहर की तरफ, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई। तो दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, इसके काटने पर कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसी को इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं और इसी को नाग कहते हैं। और दोस्तों, काफी ये बिग साइज का है। अरे यार, बहुत डेंजरस है। ठंडक लगी हुई है। तो दोस्तों, इसको छिपने की जगह नहीं मिल पाई और इसलिए आप देख सकते हैं ये स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। जब भी ठंडक का महीना आता है तो भी इन बेजुबानों के लिए काफी दिक्कत होती है और काफी समस्या पैदा होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेढ़ साल तो जब भी ऐसा बेजुबान अगर आपको दिखाई देता है तो आप ही बचा सकते हैं। डेढ़ साल अगर आप जैसे नहीं बचाते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को बुलाइए। और दोस्तों, इनको मारना नहीं चाहिए, ठंडक के महीने में भी इनको दिक्कत होती है, गर्मी के महीने में भी इनको दिक्कत होती है। तो दोस्तों, ये ठंडक से काफी ज्यादा परेशान है। दोस्तों, आप एक चीज और सोच सकते हैं कि इतना काफी विशालकाय इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप
जो इतना जहरीला है। देख ले माता जी, माता जी देखे तो दोस्तों इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 25 साल के आसपास पुराना इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है ये। 25 साल है ना? तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा बाहर लेके चलते हैं। दोस्तों इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में इसी को नाग बोलते हैं और इसी को फेटार बोलते हैं। बिहार की तरफ इसको गेहूं के नाम से जानते हैं। वैसे बायोलॉजिकल नाम इसका नाजा नाजा है। और ये दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन्स वेनमस स्नेक है। जब भी अगर ये सांप काटता है तो 40 से 50 मिनट के बाद आपको टाइम रहता है आपके पास, तो ऐसे में आप झाड़ फूक ना करें और सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि इसकी काटने पर मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे। तो दोस्तों ये 25 साल पुराना है, ठंडक के महीने की वजह से ये भाग नहीं पाया। तो चलिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं और काफी दूर लेके चलते हैं, इंसानों से काफी दूर, क्योंकि जहाँ इंसान रहता है उसके साथ छेड़छाड़ करता है। और ये सांप तभी काटता है दोस्तों जब भी इसके साथ बदतमीजी होती है, कोई चोंक चाक होता है, इसको डिस्टर्ब किया जाता है, तभी जाकर ये किसी को काटता है। तो चलिए वैसे ही डब्बे से इसमें हिला दो ना, आ जाएगी। चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर दिए और इसमें ऑक्सीजन के लिए बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। और इसको बचाना बहुत जरूरी, और इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में जीव जंतुओं के साथ में। अब तक के लिए आप सभी को बाय।